The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉरेंसिक साइंस एंड नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ या मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फॉरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, previous year, question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 242 ऑफ सीआरपीसी, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो जो सेक्शन 242 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो हैंडल करता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. तो वो सारे के सारे एविडेंसेस जो प्रोसिक्यूशन में आपको देखने को मिलते हैं और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. इट्स सेक्शन 242 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे. सबसे पहला पॉइंट क्या है? If the accused refuses to plead or does not plea or claims to be tried for the magistrate does not convict the accused under section 241. So section 241 के अंदर अगर magistrate ने उसको convict नहीं किया है और जो accused person है, मतलब मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं और मैं refuse कर देती हूँ ये बताने के लिए कि अरे भाई मैंने crime नहीं किया है, है ना. जब कभी भी कोई भी crime करता है या कोई accused person है उसने crime नहीं किया है और जो जिसने क्राइम किया है उस वो भी क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता ये क्राइम कैसे हो गया. फॉर एग्जांपल, यहाँ से एग्जांपल समझते हैं. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. ए ने क्राइम नहीं किया है और बी ने क्राइम किया है, तो बी भी क्या बोलेगा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता कि किसने क्राइम किया. ए क्या बोलेगा, ये तो बेचारा इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ए भी यही बोलेगा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है. पर अगर बी और ए को, ए अक्यूज्ड है, ठीक है, बी भी अक्यूज्ड है, पर अक्यूज्ड ए जो है, बी बोल रहा है कि मैंने क्राइम नहीं किया, पर ए कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब रिफ्यूज कर दिया उसने प्ली करने के लिए या फिर प्ली नहीं कर रहा है, तो जो मजिस्ट्रेट है उसे सेक्शन 241 के अंदर पे क्या नहीं करेंगे, कन्विक्ट नहीं करेंगे. इसके अलावा क्या करता है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट एक नई डेट फिक्स करता है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. विटनेस एग्जामिनेशन के लिए न्यू डेट फिक्स करी जाती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द मजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन और एनी ऑफ इट्स विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस सम डॉक्यूमेंट और थिंग रिलेटेड टू दैट कोर्स. अब ये जो मजिस्ट्रेट है एक समन जारी करेगा, ठीक है, जो मजिस्ट्रेट है वो अप्लाई करेगा प्रोसिक्यूशन पे या फिर कोई एक समन जारी करेगा. समन क्या होता है? समन एक तरीके का लीगल इन्विटेशन होता है, है ना. तो ये लीगल इनविटेशन उनको भेजा जाएगा जिनका कुछ लेना देना है, किसी भी टाइप से लेना देना है किसी पर्टिकुलर केस से, और ये रीडायरेक्ट करेगा या तो वो विटनेस प्रोड्यूस करे या वो विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट हो या वो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या कोई एविडेंस दे उस केस से रिलेटेड. तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है? ऑन द डेट सो फिक्स्ड द मजिस्ट्रेट शैल प्रोड्यूस to take, sorry, the magistrate shall proceed to take all such evidences as may be produced in support of the prosecution, provided that the magistrate may permit or cross-examine of any witness
to be deferred until any other witness or other witness have been examined or recalled, any other witness for further cross-examination. अब एक डेट वापस से फिक्स करी थी, है ना, मजिस्ट्रेट ने जिस दिन को फिक्स किया था उस दिन फिर क्या होगा, प्रोसीडिंग्स होगी, उस दिन क्या होगा फिर सुनवाई होगी या हियरिंग होगी. अब इसमें जो भी विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए हैं, जो भी विटनेसेस दिए गए हैं, उसका एग्जामिनेशन होगा. और अगर विटनेसेस प्रेजेंट नहीं है, कोई पर्सन एज अ विटनेस प्रेजेंट है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और इसकी परमिशन भी मजिस्ट्रेट देता है ना. या फिर तब तक का वो क्या करेंगे, वेट करेंगे जब तक कोई और अदर विटनेस को हम रिकॉल नहीं करते फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें सेक्शन 242 के अंदर पे आती हैं. ओके, सो सेक्शन 241 अगर हम पढ़ लें, सो सेक्शन 241 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो कन्विक्शन है ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी ऑफ द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड और मे इन हिज डिस्क्रीशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन. ठीक है, अगर गिल्टी प्लीड हो गया है या फिर गिल्टी हो गया, अगर वो पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है और ये चीज़ प्रूव भी हो जाती है, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस पर्सन को कन्विक्ट करता है अंडर, ये सारी चीज़ें बताई गई अंडर सेक्शन 241. 242 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 241 में क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यही बताया है कि अगर प्लीड गिल्टी नहीं होता या फिर वो जो अक्यूज्ड है वो रिफ्यूज़ करता है प्ली करने से, तो फिर एक नई डेट फिक्स करी जाती है फॉर एग्जामिनेशन. एंड उसके बाद ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं सेक्शन 242 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन में. फाइन, देन वी हैव सेक्शन 243 जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास. हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय.